नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो जियो का रिचार्ज है आपके मोबाइल में पहले से, ठीक है, तो आप उसको जानना चाहते हो कि आपकी जो वैलिडिटी है वो कब खत्म होने वाली है, तो कैसे जान सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 2 मिनट की वीडियो में आप जान जाओगे कि आप अपने मोबाइल में जो रिचार्ज है जियो का, आपने जितने भी दिन का कराया है तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो जानोगे आप इस वीडियो में। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या होगा, आपको सिंपल प्ले स्टोर से जियो ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपल इंटरफेस आपको क्या कर देना है, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना, बस जो आपका रिचार्ज है जियो रिचार्ज है, ठीक है, जो नंबर है आपका वो बस डाल देना है आपको। और डाल देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे ये मोबाइल नंबर और ये जो देखोगे यहाँ पे, तो आपका ये मोबाइल नंबर शो होगा, ठीक है, ये माई अकाउंट लिखा हुआ जाएगा, आपका जो अकाउंट बन चुका होगा। उसके बाद आपको देखोगे तो यहाँ पे अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो तो रिचार्ज पर क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको देखना है कि इसकी एक्सपायर डेट क्या है तो आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये आपका जो यहाँ देखोगे तो ये आपका प्लान बताएगा, देख सकते हैं जैसे 555 वाला मेरा प्लान है, ठीक है, तो ये 555 वाला मतलब 84 दिन का प्लान है और एक्सपायर डेट लिखी हुई है यहाँ पे 24 अप्रैल 2020 की, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक्सपायर डेट, आप इसको डिटेल से समझ सकते हो इस पर व्यू डिटेल पर क्लिक करके। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ नीचे इस साइड देखोगे तो यहाँ आज के जो स्टेटस है आपका वो बताएगा कि कितनी देर मतलब कितना आपने जो यूज़ किया है डाटा, है ना, तो वो यहाँ पे आपको स्टेटस बताएगा, ठीक है, तो ये देख सकते हो। अब अगर हम इस पे व्यू डिटेल पर अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे इसकी डिटेल पूरी बता देगा यहाँ पे कि क्या है आपके मतलब जो रिचार्ज है वो कब ख़त्म होने वाला है, क्या टाइम का था, ठीक है, क्या रोज़ देते थे आपको, मतलब क्या GB डाटा देते थे, SMS देते थे, जो भी है, ठीक है, सारी चीज़ें, और जो बचा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, देख लेते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ देखोगे तो आपका यहाँ पे ये शो हो गया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो करंट प्लान है ये हमारा चल रहा है, करंट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है करंट प्लान, है ना, और यहाँ देख सकते हो 1.5 GB डेली मिलता है हमको, है ना। और अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये देखो SMS है, 100 SMS देते हैं फ्री रोज के। और ये डाटा देखोगे आप तो डाटा अभी जो यूज़ हुआ है वो मतलब अभी हाल ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ देखोगे आप तो वॉइस नॉन जियो, ठीक है, जो कॉलिंग है, कॉलिंग के मिनट दे देते हैं आजकल, तो ये 3000 मिनट दिए थे, इसमें से मात्र मैंने 1000 मिनट यूज़ किए, बाकी 2000 मिनट ये डूबने पे जाएगी क्योंकि कल इसकी जो वैलिडिटी वो ख़त्म हो जाएगी। और ऑलरेडी मैंने एक रिचार्ज वापस से ऐसे ही करा चुका हूँ, ठीक है, उस पर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि आप जियो पे रिचार्ज कैसे कर सकते हो, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हो, ये अभी मेरा एक्टिवेट प्लान है, कल के बाद ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना जो प्लान है वो चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे माय प्लान पर क्लिक करके भी ऐसा कैसा स्टेटस आपका देख सकते हो, ठीक है, माय प्लान पे, या फिर नीचे 2 स्टेटस मिल जाएगा उस पर जाके आप अपने मोबाइल में देख सकते हो कि आपका जो जियो का जो एक्सपायरी डेट है कब आपका जियो रिचार्ज खत्म होने वाला है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आप जानना चाहते हो कि जियो रिचार्ज कैसे करते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये पेज वापस ओपन हो गया है ना, तो ऐसा करके भी आप पता कर सकते हो, है ना। तो अगर आप जानना चाहते हो कि जियो रिचार्ज कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी ATM से, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर एयरटेल का हो तो एयरटेल पर भी बना रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।